types of groups. Numerous types of groups are there जिसमें से in-depth understanding के लिए comparison is presented, जिसमें सबसे पहले जो group है that is psychological and versus social group. Psychological group वो है जहाँ पे आपकी आप इन किसी भी group में involve होते हैं या included होते हैं group members की nature की वजह से, कि आपकी जो psychology है वो दूसरे लोग आपकी समझते हैं, आप उनकी समझते हैं, आपकी nature उनके साथ मिलती है, तो आप उस जो इस psychological जो group है उसमें members की आपस में एक common task की वजह से या ideology की वजह से वो आपस में influenced होते हैं, उनकी नेचर आपस में मिलती है, वो एक तरह का सोचते हैं जिसमें आपकी फैमिलीज, फ्रेंडशिप सर्कल्स और फिर आपकी पॉलिटिकल क्लब्स, वर्क इन्वायरमेंट या वर्क प्लेस है, फिर एजुकेशनल सेटअप है, देन रिलीजियस, नेबरहुड और रिक्रिएशनल ग्रुप्स भी आ जाते हैं. सोशल ग्रुप अगर हम देखें तो सोशल ग्रुप में इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपका जो इन्फ्लुएंस है वो बाई नेचर हो, आप अगेंस्ट द नेचर भी जाते हैं, लेकिन आप सोशली आपको कनेक्ट रहना होता है, तो फिर उसके लिए आपको सोशल ग्रुप्स में आप सोशल ग्रुप के मेंबर बन जाते हैं और उस सिस्टम में इंटीग्रेटेड हो जाते हैं, इंटर रिलेटेड हो जाते हैं, जिसमें जो कि पॉलिटिकल पार्टीज के ग्रुप्स हैं, देन आपके फ्रेंडशिप सर्कल्स हैं, आपके पॉलिटिकल क्लब्स हैं, आपके सोशल ऑर्गेनाइजेशन हैं, तो उनमें आप इसलिए जाते हैं कि आपकी वो नीड ऑफ द सोसाइटी भी है और वो आपके सोशल नीड्स की को फुलफिल करते हैं. देन आपके फॉर्मल और इनफॉर्मल ग्रुप्स आ जाते हैं. फॉर्मल ग्रुप जहाँ पे आपको किसी लीगल फॉर या जो फॉर्मल अथॉरिटी है वो आपको इस ग्रुप में इंक्लूड करती है, ताकि आप किसी टास्क को, जो टास्क है उसको कंप्लीट कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं. ये जो इनफॉर्मल जो ग्रुप है वो बेसिकली आपके ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पे बेस्ड होता है, जिसमें कोई असाइनमेंट दी जाती है और उसको कंप्लीट करना होता है. जिसमें अगर हम एग्जांपल लें टीचर्स यूनियन की, तो इट इज़ वन ऑफ दैट. और इसी तरीके से इनफॉर्मल जो आपका ग्रुप है वो आपको इनफॉर्मल ग्रुप में आपका जो पर्सनल कॉन्टैक्ट है और इंटरेक्शन है वो नेटवर्क बिल्डिंग के लिए है, रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं, आप इंडिविजुअल के साथ इनफॉर्मल वे में मिलते हैं. जिस ग्रुप में आपका इंटरेस्ट होता है, जो फ्रेंडशिप ग्रुप है, और वो आपका इनफॉर्मल ग्रुप है. इसको अगर आप प्लेयर्स के हिसाब से देखें तो प्लेयर्स की जो एसोसिएशन है वो इनफॉर्मल ग्रुप में आ जाती है. देन प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी ग्रुप्स हैं, जिसमें जो प्राइमरी ग्रुप है वो आपका स्मॉल साइज में होता है, जिसमें आपकी जो इंटरेक्शन है, जो उनके साथ मेल जोल है, मुलाकात है, वो फेस टू फेस होती है. घर में मिल सकते हैं आप, ऑफिस में मिलते हैं, दैट इज़ बेसिकली योर फैमिली ग्रुप्स, योर नेबरहुड ग्रुप्स. और फिर जो सेकेंडरी ग्रुप है वो आपका लार्जर साइज पे होता है, और उसकी जो आइडेंटिफिकेशन है वो ये है कि आपकी उनके साथ वैल्यूज या बिलीव्स आपकी और उनके ग्रुप मेंबर्स के साथ मिलती है. और एग्जांपल अगर देखें तो ऑक्यूपेशनल एसोसिएशंस जो हैं वो आपकी, या एथनिक ग्रुप्स जो हैं वो आपके सेकेंडरी ग्रुप में आ जाते हैं. देन देयर इज़ मेंबरशिप एंड रेफरेंस ग्रुप. मेंबरशिप ग्रुप वो है जिसमें आप एक ग्रुप में बिलोंग करते हैं, इननेटली आप वहीं के हैं, आपका जो इंडिविजुअल जो एक्चुअलिटी है, जो एक्चुअली आप जहाँ से बिलोंग करते हैं वो आपका है मेंबरशिप ग्रुप. और जहाँ से आप किसी और ग्रुप में जाते हैं दैट इज़ योर रेफरेंस ग्रुप. अब इसको अगर लाइटर मोड में देखें तो जिस तरह से फीमेल जिनकी बिफोर मैरिज दे बिलोंग टू देयर पेरेंट्स और वो उनका मेंबरशिप ग्रुप है, और इसको आप प्राइमरी ग्रुप भी कह सकते हैं, मेंबरशिप भी ग्रुप कह सकते हैं. और इसी तरीके से अगर वो आफ्टर मैरिज दे गो टू देयर इन लॉज, दैट इज़ देयर रेफरेंस ग्रुप. और इसको अगर आप टीचिंग वे में देखें या आप किसी कंपनी के साथ देखें, तो जो टीचर्स होती हैं वो एक ग्रुप, एक स्कूल की मेंबर्स होती हैं, वहीं अपॉइंट होती हैं, लेकिन सम हाउ वो दे वांट टू गो समवेयर, या फिर वो ट्यूशंस देते हैं, तो ट्यूशन इज़ देयर रेफरेंस ग्रुप. ट्यूशन की जो ट्यूशन सेंटर्स हैं जहाँ पे उनके ग्रुप्स बनते हैं, दैट इज़ देयर रेफरेंस ग्रुप. जो उनका स्कूल है जहाँ पे वो परमानेंट टीचर्स हैं, दैट इज़ देयर मेंबरशिप ग्रुप.
कमांड वर्सेस टास्क ग्रुप, कमांड ग्रुप में आपको टीचर जो आपके सबऑर्डिनेट्स हैं उनके साथ आपने कोऑर्डिनेट करना होता है, सुपरवाइजर्स के साथ कोऑर्डिनेट करना है, डायरेक्टली फेस टू फेस आप उनके साथ मिलते हैं। और इसका एग्जांपल ये हो सकता है कि जैसे आप असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर है, वो अपने जो दो से ज़्यादा ट्रांसपोर्ट सुपरवाइजर्स हैं उनके साथ डायरेक्टली कमांड में डिस्कस करते हैं, पर्टिकुलर अगर कोई प्रॉब्लम आ गया है तो उसको एड्रेस करना। तो इनका एक टू वे प्रोसेस है। इसी तरीके से जो टास्क ग्रुप है वो किसी एक पर्टिकुलर टास्क को लेके ग्रुप बनाया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर स्कूल के रिजल्ट का नेगेटिव आया है, अच्छा नहीं आया, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस देखने के लिए, उसके कॉजेज देखने के लिए, उसकी क्या रीजंस थे उनको देखने के लिए कमिटी बनाई जाती है। और कमिटी के जितने भी मेंबर्स हैं वो आपके टास्क ग्रुप में आ जाते हैं। अगर हम मेडिकल फील्ड में देखें तो वहाँ पे अगर रॉन्ग मेडिकेशन हो गई है तो रॉन्ग मेडिकेशन की वजह से जो कॉन्सिक्वेंसेज आए हैं, तो अब उसके बेस पे एक टास्क ग्रुप बनाया जाएगा जिसमें आपके हेड नर्सेज भी होंगी, जिसमें आपकी डिफरेंट स्टाफ होगा, मेडिकल स्टाफ, और उनको इंक्लूड किया जाएगा ताकि उनके रूट का कॉज को देख सकें कि बेसिकली प्रॉब्लम कहाँ थी, ताकि उसको एड्रेस किया जा सके और उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सके। और उनमें लाइजन क्रिएट किया जाता है बिटवीन द वार्ड बॉय या फिर सीनियर सिस्टर्स और हेड नर्सेस के बीच में, ताकि हम प्रॉपर तरीके से देख सकें कि कहाँ पे प्रॉब्लम था, कहाँ पे किसने क्या गलती की है। सो टास्क ग्रुप इज फॉर पर्टिकुलर टास्क और पर्टिकुलर टास्क को अचीव करने के लिए। इंटरेस्ट वर्सेस फ्रेंडशिप ग्रुप। इंटरेस्ट ग्रुप वो है जहाँ पे आप लोगों के साथ अपने इंटरेस्ट की वजह से वहाँ पे मिलते हैं। जिस तरह से आपके जो ऑफिस के लोग हैं, आपका वहाँ पे इंटरेस्ट ये है कि ऑफिस एम्प्लॉयज़ के साथ आप जब मिलते हैं जुलते हैं, आपने उनका ग्रुप बनाया, तो आप वेकेशन में टीचर्स के साथ अपनी जो डिफरेंट आपकी चीज़ें हैं वो शेयर कर सकते हैं। इसी तरीके से आपके जो वो इतने ज़्यादा आपके फ्रेंड्स नहीं हैं लेकिन आपका इंटरेस्ट है वहाँ पे, क्योंकि आपका गोल एक है, आपका टास्क एक है, आपका ऑब्जेक्टिव एक है, तो वहाँ पे आप इंटरेस्ट ग्रुप पर डेवलप करते हैं ताकि आपकी जो अपडेट्स हैं, जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो शेयर हो सके, फिर आपकी जो लाइटर, आपकी जो सोशल इंटरेक्शन हो सके। देन आपका फ्रेंडशिप ग्रुप है जो जिसमें आप टोटली डिफरेंट लोगों के साथ अपनी फ्रेंडशिप रखते हैं, जो कि आपको फील करते हैं कि हो सकता है आपकी सेम लैंग्वेज जो बोलते हों, जो आपके इस तरह के ग्रुप मेंबर्स हों, जो कि आपके रिलेटिव्स हों, उनके साथ आप फ्रेंडशिप करते हैं, या आपकी स्कूल की फ्रेंड है जो कि आपके बचपन के साथ आपके साथ हैं, तो फिर आप उनके साथ फ्रेंडशिप ग्रुप बनाते हैं। सो दीज ऑल टाइप्स ऑफ ग्रुप आर वेरी नेसेसरी फॉर एनी सोसाइटी, क्योंकि आप सोसाइटी को अंडरस्टैंड करने के लिए उनके ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, और इंडिविजुअल को आप समझने के लिए आप उनके डिफरेंट ग्रुप्स के साथ उनको एसोसिएट करते हुए आप उनको समझते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं। और एजुकेशन में ग्रुप को अंडरस्टैंड करना इज़ वेरी नेसेसरी। आप किसी के बिहेवियर को मॉडिफाई करना चाहते हैं, अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड विच ग्रुप दे बिलोंग फ्रॉम विच ग्रुप दे आर बिलोंगिंग एंड व्हाई दे आर बिलोंगिंग, और सारी रीजनिंग जो है वो आपको ग्रुप की इंफॉर्मेशन की वजह से मिल जाती है, और वो प्रॉब्लम्स आपके इजीली सॉल्व हो जाते हैं।